हेलो माय गुड लुकिंग पीपल, हाउ आर यू। तो अभी अभी नहा के आया हूँ भाई, और आज का वेदर इतना सही हो रहा है, इतना सही मतलब चारों तरफ तो कोहरा लगा हुआ है, एकदम बढ़िया वाला, एकदम ठंड में लगता है ना जैसे कोहरा, वैसे ही लग रहा है। और आई लव दैट वेदर बिकॉज मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद। अभी अभी नहा के आया भाई, बहुत ही क्रेजी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वाली फीलिंग। अब मुझे लग रहा है कि मुझे जिम में ज्वाइन करना चाहिए, थोड़ा बॉडी बॉडी एप्स वेप्स बनाएंगे तब मैं बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग वाली ब्लॉग्स लेके आऊँगा ना आपके लिए। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी कितने बजे रहे, अभी कितने हैं, 6:51 हो रहा है अभी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सो हेलो माई गुड लुकिंग ऑडियंस, आप सब कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, क्रेजी हूँ, मज़े कर रहा हूँ और पढ़ नहीं रहा हूँ बिकॉज अभी सेकेंड एग्जाम के बिल्कुल के लिए अभी तक मैंने बिल्कुल भी कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा है। पर हाँ, दूसरी चीज़, आज संडे है गाइस और मुझे आज तब भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, देख रहे हो, बिकॉज थोड़ा सा शायद टेस्टिंग्स ज़्यादा आने वाली है, बिकॉज आई एम वर्क इन क्वालिटी एश्योरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम भी ज़्यादा होने वाला है, तो इस वजह से मुझे आज ऑफिस जाना पड़ रहा है। बट नो वरीज, मुझे अपना कॉलेज पसंद नहीं था, हॉस्टल पसंद नहीं था, बट मुझे अपना ऑफिस बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बहुत सारी बातें हो रही है, अभी मुझे रेडी होना है, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं। ओके बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग लुकिंग ऑडियंस। तो आई एम रेडी, रुको एक और शॉट लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो वाला शॉट लेते हैं जो हम करते ही हैं। जस्ट वेट, आई एम रेडी। हाँ, एज यूजुअल, जैसे ये मैंने आपको बताया कि संडे के दिन भी वर्किंग है मेरा, नहीं मुझे इसका सी ऑफ मिल जाएगा, बोले तो किसी दिन, अगर मुझे किसी दिन, क्या इस वीकेंड में एक तो मेरा होगा ही होगा, लाइक संडे जैसे ऑफ होता है तो उसके साथ साथ मुझे सैटरडे भी ऑफ मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, छुट्टियों का कोई ऐसा इशू नहीं है। बट जिस दिन वर्कलोड रहता है उस दिन हमें ज्वाइन करना पड़ता है, वो भी मुझसे पूछा गया था बिकॉज मेरी तो एग्ज़ाम लीव चल रही है कि तुम आ सकते हो या नहीं, तो क्योंकि दिस इज़ माई लर्निंग स्टेज, इस टाइम पे मैं जितना सीखूंगा, जितना नॉलेज लूंगा, वो सब मेरे लिए ही बेनिफिशियल है। सो और जिस जगह मन लगता है उस जगह मुझे काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज लिटरली मुझे बहुत, मतलब मेरे को अपना ऑफिस बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को अपने मन से करो तो वो काफ़ी अच्छा होता है, ना कि देखो वहाँ पैसा डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है तुम्हें मज़ा आ रहा है या नहीं। तो लिटरली मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जहाँ ऐसा चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन तुम्हारा खुद का मन नहीं है ना, वहाँ तुम्हें ईजी से ईजी भी अगर टास्क दिया जाए ना तो वो तुम नहीं कर पाओगे, दैट वॉज द फैक्ट ना। तो चलो ये सब छोड़ो, बाकी आज का क्या करा, आज मैं अभी वो भी गया था 5 बजे, ठीक है। अब जैसे एज यूजुअल मैं बता रहा हूँ कि मैं सारी अपडेट्स देता रहूँगा आप लोगों को। तो उठा, देन उसके बाद फ्रेश फ्रेश हुआ, और आज का बाहर का वेदर देख के तो भाई मज़ा ही आ गया, लिटरली देख रहे हो मेरे पीछे पूरा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ठंडियों के मौसम में कोहरा नहीं लगता, और मुझे वैसे भी ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मेरी बॉडी, ये देखो मीन्स ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल जैसे ठंडियों में कोहरा आता है, बिकॉज मेरी बॉडी बिल्कुल भी गर्मी को इनहेल नहीं कर सकती है, मेरी नक्सीड चलने लग जाती है एंड देन डिहाइड्रेशन होती है बहुत ही तगड़ी वाली, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली, तो इस वजह से मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद। बट यस, मुझे ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों की अगर ब्लेसिंग साथ में रही तो हम जल्दी ही शिमला, कुल्लू, मनाली सब जगह जाएंगे, बिकॉज अब थोड़ा सैलरी आने लगी है ना, तो अब जब थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है तो सेविंग्स करके हम जल्दी से वहाँ भी जाएंगे। बट जब वो टाइम आएगा उसकी बात अलग है। सो अब ना मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि अब मुझे ट्राईपोड लेने की ज़रूरत, हाँ पहले मैं ये बता दूँ तुलसी मैया, आज हमने पानी नहीं दिया बिकॉज संडे, और आप सभी को पता होगा कि संडे के दिन तुलसी माला निर्जला व्रत रखती है ना, ऐसे ही कुछ है, मेरे को इतना कुछ वो नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही होगी तो मुझे करेक्ट करना, कमेंट में बताना, क्योंकि हो जाती है ना सबसे गलती, थी मुझसे भी हो गई होगी या हो जाती होगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने लिए ट्राईपॉड ले लूँ, बिकॉज ये हाथ में पकड़ के कैमरा तो मैं ब्लॉग शूट करता हूँ ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड हो जाता है, और जब मैं इसे एडिट करता हूँ और उसे 60 FPS में ले जाता हूँ तो वो ना बहुत ज़्यादा MB खाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ट्राईपॉड में ये है कि स्ट्रेट एंगल पे कैमरा सेट रहेगा,
तो वो वीडियो ऐसे मींस डिसेबल्ड नहीं होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा देखने में। बस यही चल रहा है भाई आज का। ये स्टारबक्स का कप ही कप है, बहुत पहले गया था, संभाल के रखा है। मिडिल क्लास लोगों की यही तो पहचान होती है कि वो छोटी छोटी चीजें संभाल के रखते हैं। ग्लूकोज पी रहा था जैसे डेली मैं पीता ही हूँ। बाकी मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ बाहर का, ओके जस्ट रुको। और आज मुझे ना ज़्यादा वो टाइम भी देखना पड़ेगा साथ साथ में, बिकॉज कल मैं लेट हो गया था ब्लॉग बनाने के चक्कर में। तो जस्ट वेट, मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो अब बाहर का व्यू, यहाँ पे वैसे नए नए घर बन रहे हैं, तो ये कबूतर बैठे हुए हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत ही ज़्यादा नफरत। और सुबह सुबह की ये ठंडी हवाएं, ओ लिटरली आई लव दैट। वैसे मुझे सुबह सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट आजकल आ रहा है। एक तो ऑफिस, आज मे बी अंकल लोग भी घर पे नहीं है, संडे स्पेशल वीकेंड सेलिब्रेशन के लिए कहीं घूमने गए हैं, तो यही चल रहा है भाई। और वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, और ये सुबह सुबह चिड़िया की कू 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 जो भी है लग दैट। वैसे आंटी ने कहा भाई यहाँ पे ना झूला लगने वाला है बहुत जल्दी, तो ठीक है उसमें जाएंगे। तो अब चलते हैं अंदर, बिकॉज अभी हमें काफ़ी कुछ काम करने हैं, काफ़ी काम छूट रखे हैं। क्लीनिंग व्लीनिंग कर दी है, वो डेली ही होती है। डेली मैं इसलिए दिखाता हूँ ना आपको, आप सोचते होंगे कि ये बोलता बोलता है, नहीं गाइस ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं झाड़ू वाड़ू करता हूँ एंड देन उसके बाद ही प्रोसेसेस होती हैं आगे की। अभी पूजा नहीं करी है तो मैं फटाफट पूजा भी कर लेता हूँ एंड देन ये सब कुछ सेटअप है, ठीक है। तो मुझे साथ साथ में अपना टाइम भी देखना पड़ेगा। अभी 6:02 हो रहा है एंड देन अभी हमें क्या क्या करना है आज, तो देखते हैं। जस्ट लुक एट माई व्यू, मतलब सॉरी आज मैंने ये पहना है, दैट इज़ ये सिंपल सी टी शर्ट है जो विशाल मेगा मार्ट की है, ये जूडियो की है, और ये चप्पल मुझे मेरी जेठी ने दी थी, वो गिफ्टेड एज अ गिफ्टेड। हाँ ठीक है, बाकी अपना सामान वामान रख देते हैं जगह पे, शायद पूजा भी करनी है। ओके गाइस चिमनी लग गई है, अभी लगी है एक दो दिन पहले, बिकॉज मैंने बताया था कि अभी किचन हमारी पूरी अच्छी तरीके से बनी नहीं है, तो यही सब प्रोसेसेस चल रही है। बाकी भाई काफ़ी कुछ रख दी है, मियोनीज भर के लग रही है, अपने दोस्त की टपाके लेके आया हॉस्टल से, और मियोनीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बस। ये क्या है, ग्लूकोन डी, जिससे मैं थोड़ा गर्मियों में झेल लेता हूँ। ये मेरे पार्ले जी रखे हुए हैं क्योंकि मैं आजकल खेल रहा हूँ तो मैं रख रहा हूँ। बाकी ये फ्रूटी वगैरह माउंटेन ड्यू पड़ी हुई है, मेरे घर वाले देखेंगे तो मैं सुनूंगा बहुत ज़्यादा। और यही सब थोड़ी बहुत सब्जियाँ और चटर पटर, इसके अंदर भी कुछ पड़ा होगा दोनों, विशाल मेगा मार्ट से लाए थे जो कि हमारे कुछ काम में नहीं आ रही है, तो जो भी मेरे घर में आएगा मैं उसे दे दूंगा एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो अब क्या दिखाने वाला था, मैं आपको पूजा दिखाने वाला हूँ ना, जस्ट वेट। हाँ वैसे मैं एक बार बैग को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बिकॉज कल मेरा चार्जर घर पे छूट गया था और मुझे ब्लॉग भी एडिट करना था, पढ़ना भी था, बिकॉज आई एम अ मल्टीटास्किंग, मतलब मैं टास्क मुझे आई लव दैट। और कल तो बहुत बड़े बड़े कांड भी हुए हुए कंपनी में, चलो छोड़ो वो तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। लिटरली बहुत बड़े बड़े कांड हुए कल, होते ही हैं एज यूजुअल कंपनी में। कल रात के बर्तन थे जो मैंने अभी तक नहीं धोए हैं, अब अकेला हूँ मैं क्या क्या ही करूँ, तो साफ सफाई हो रही है उतना ही बहुत बड़ी बात है। सो अब मैं क्या करने वाला था, हाँ पहले पूजा करने वाला हूँ ना, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी जल्दी ही गाना जी आने वाले हैं, जल्दी ही गाना जी आएंगे तो फिर हम और मज़ेदार ब्लॉग बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रहा था, वहाँ मेरी कैब निकल गई, वो तो मैं कॉल कर दिया था अपने दोस्त को, मैंने कहा कैब रुकवाओ, तो जाके मैं पहुँच गया। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अगर कैब छूट भी जाए तो दूसरी आ जाती है, बट ये रहता है कि फिर वो थोड़ा लेट हो जाती है और तुम्हारा हैंड ओवर टेक ओवर में काफ़ी टाइम लग जाता है, बिकॉज जाते ही
मेरा तो अभी काम नहीं है ये, लेकिन इन इन मतलब जो आगे आने वाले दिन है उनमें हमें करना ही पड़ेगा, लेके कि क्या क्या मीन्स हमारे अपकमिंग बैचेस हैं, क्या क्या आने वाला है, किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट क्या प्रोसेस चल रहा है, ये सब प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं और ये नॉर्मली हर जगह ही होती है। तो क्या होता है क्या नहीं, एंड सही है ब्लॉग भी बन जाते हैं साथ साथ में आप लोगों के लिए, दैट इज गुड। Exposed like this before. I'm good at shutting you out. हो गई है पूजा, और अब क्या करना है? अब आप ये तो नहीं बोल रहे हो कि रोज ये यही दिखाता रहता है, बिकॉज अभी मैं यही सब दिखा रहा हूँ। शिफ्ट होगी तो कुछ उसमें कुकिंग का दिखा लेंगे। भाई मुझे कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं तो अपनी कुकिंग को बहुत अच्छा मानता हूँ, बिकॉज आज के दिन में अगर एक लड़के को खाना बनाना आ गया और साफ सफाई करना आ गया तो वो बहुत अच्छे से वो करना। देखो इसका एक जेन्युइनली फैक्ट बताता हूँ, मेरे साथ वाले हैं किसी को भी खाना बनाना नहीं आता, किसी को भी नहीं, तो वो पता क्या करते हैं, या तो बाहर से ऑर्डर करेंगे, बाहर खा के आएंगे, या तो उस दिन भूखे रहेंगे, ठीक है। अब मेरा ये बेनिफिट है कि मुझे खाना बनाना आता है, ठीक है। अब जिसे खाना बनाना आता है तो उसके लिए तो सामान होना चाहिए, वो खुद बना के खा सकता है क्योंकि उसे खाना बनाना आता है, दैट्स अ रीज़न। बट उनको आता ही नहीं है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो एक तो क्योंकि मैं तो हॉस्टल स्टूडेंट था और वो अपने उसमें रहें हमेशा से घरों में रहें तो उनको नहीं आता है, बट मुझे तो आता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है कि मैं अपना आराम से बना के खा लेता हूँ। मीन्स मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता इन चीज़ों में। और इन फ्यूचर मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट सिंगल हैप्पी मैन, तो ये लाइन भी मैं जल्दी से ऐड ऑन कर लूँगा। वैसे अभी भी मैं बोल सकता हूँ इंडिपेंडेंट सिंगल हैप्पी मैन, गुड ना, हाँ क्यों, माई गुड लुकिंग ऑडियंस, दैट इज़ गुड लाइन ना। सो अभी मैं साथ साथ में टाइम भी देख रहा हूँ, 6:08 हो गया और मुझे शूज़ पहनने होंगे क्योंकि आज मैं लेट नहीं हो सकता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आज ब्लॉक वगैरह कुछ करा नहीं है और मुझे शूज़ पहनने होंगे, बिकॉज द रीज़न कि कहीं मैं कल के जैसे फिर से लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि आज मैं लेट हुआ तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी। ब्लॉग भी करना है कि वैसे मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ बट कभी कभी लेट हो जाता है, और वो ब्लॉग बनाने के चक्कर में हुआ था कि मैं लास्ट का एक वीडियो शूट कर रहा था कि होप यू गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग एंड दैट एंड उसके चक्कर में तब तक मैंने देखा कि गाड़ी आ चुकी है, मुझे लगा रुकेगी बट वो निकल गई, तो आगे जाके वो रुक गई थी बिल्कुल, वैसे ऐसी बात नहीं, बट लेट होने से बढ़िया है कि तुम अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलो, ज़्यादा बेटर ये सब। तो संडे बट नॉट अ फन डे, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा जीवो मार आप मुझे याद भी नहीं दिलाते गाइस कि मैंने चश्मा नहीं पहना, वैसे बिना चश्मे के मुझे नहीं दिखता है। अपना सारा बैग पैक कर लिया एंड ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा धूल आती है। अरे पर्दा ही तब क्या, जस्ट वेट, मैंने अंदर वाला लॉक दरवाज़ा किया है।
हर एक चीज का ध्यान रखना होता है ना, अगर तुम अकेले हो। बैग बाहर ले गया हूँ और मुझे एक बार फटाफट से क्रॉस चेक करना है। बैग बंद कर देते हैं। भाई आंटी अंकल को एक भी वो नहीं मिलना चाहिए ना पॉइंट की तुमने सफाई नहीं की है या कुछ भी नहीं करी है। बिकॉज जब हम आए थे तो उनका एक ही रूल था कि भाई तुम लोग प्लीज सफाई करके रखना। दैट्स व्हाई उन्होंने घर रेंट पे दिया था। All set. एक बार क्रॉस कर लेते हैं बाहर। ऑल सेट गाइस, ऑल सेट, ऑल सेट। ऑल सेट बैग ले लिया है। लाइट वाइट बंद करते हैं। ओहो तेरा हो गया। ये शिफ्ट इतनी भी बुरी नहीं थी। तेरा फटाफट एक उसको ही पता लगे कल के ब्लॉक के चक्कर में 6:12 हो गई है। आज चाबी यहीं पे थी। बस कल तो आंटी अपने साथ ले गई थी। वो खुला है लॉक आज। लॉक खुला है। वेदर देखो आप, वेदर